हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो फिजिक्स का रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरे, और आज इस वीडियो में एक्सरे पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं वो और सारी प्रॉब्लम्स। मतलब कि एक्सरे, अब इसका सेकेंड पार्ट एक्सरे का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपका आएगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो सब क्या है वो पढ़ाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला इम्पॉर्टेंट नहीं तो आपने पढ़ा नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्या है पूरा ज़्यादातर उसमें थ्योरी है, तो वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो ज़्यादातर थ्योरी है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आप खुद बुक से पढ़ सकते हैं, उससे थ्योरी है। बिकॉज इसके बाद क्या है, एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी छूटा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे स्टार्ट करूँगा थर्मोडायनेमिक्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसा टफ नहीं है या कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, एक सबसे आसान टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा कैलकुलेटिव है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लगता है आपको कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ पूरा कैलकुलेटिव है। फॉर्मूले आपको आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, सीधे आपका आंसर आएगा। अगर एग्ज़ाम में मॉडर्न फिजिक्स के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर पक्के से पूरे कर लेंगे, पूरा फार्मूला बेस्ड है। और एक और चीज़ है, अभी तक इसके मैं 7 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो है ये मॉडर्न फिजिक्स का। वो सारे वीडियोज़ मॉडर्न फिजिक्स के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका 2-3 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, आपने ये सारे वीडियो देखे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक्सरे में अभी क्या होगा, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी लूज करता है या गेन करता है, वो सब क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप तभी समझ पाएंगे जो आपने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे। तो पिछले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपको आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है पिछले वीडियोज़ देखने की, आप सीधे यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना आज का टॉपिक है एक्सरे। वीडियो के एंड में आपको एससी वर्मा के स्टार्टिंग के 1 से 7 मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। अब देखिए, जब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरे की, तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्सरे होता क्या है, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो उससे पहले, उसको समझने से पहले, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, और फिर उसी पे बेस्ड हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सपोज़ अगर कोई हमारे पास मेटल प्लेट है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हम कैसे करा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मेटल प्लेट है और हम चाहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलें, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे करा सकते हैं। तो देखिए, ये 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा फोटो एमिशन और एक दूसरा होता है थर्मल एमिशन, या कहीं कहीं इसको थर्मियोनिक एमिशन भी बोला जाता है, थर्मल एमिशन। देखिए, फोटो एमिशन में क्या होता है कि ये जो हमारा मेटल का प्लेट है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, फोटॉन्स गिराते हैं या फोटॉन्स डालते हैं, तो क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं वैसे ही फटाक से ये बाहर निकलते हैं, ये जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वैसे ही तुरंत ये बाहर निकलते हैं। फिर से सुन लीजिए, हम क्या करते हैं, जो फोटो एमिशन होता है इसमें क्या होता है, मेटल प्लेट होती है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो फोटॉन्स हैं ये फॉल कर रहे हैं, तो जो मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जब एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, इनका एमिशन शुरू हो जाता है, और ये एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और इनका एमिशन बहुत जल्दी होता है, एकदम तेज़ी से होता है। इसको हम जो फेनोमेनन है इसको हम बोलते हैं फोटो एमिशन। दूसरा आता है हमारा थर्मल एमिशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये जो थर्मल प्लेट है इसको हम गर्म करते हैं, हीट इसको हम देते हैं, एक तरह से बोला जाए तो थर्मल एनर्जी। तो क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको धीरे धीरे एनर्जी मिलना शुरू होती है। अब देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है,
ये क्या करता है, इनकी जो एनर्जी बढ़ती है वो एकदम बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और ये क्या होती है, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, बिकॉज जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे एनर्जी इनकी बढ़ती जाती है। तो जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है कि जब इनकी एनर्जी बढ़ने लगती है तो फिर इनका एमिशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए क्या है, मैंने आपको बोहर्स मॉडल जब पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन्स इक्वेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारा इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बात की हुई है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आइंस्टीन इक्वेशंस में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू के ई मैक्स, ये है आइंस्टीन्स इक्वेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एच न्यू है, ये एच न्यू क्या है, ये है हमारी जो ये एनर्जी, जो ये फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं, इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं एनर्जी फॉलिंग। और ये फाई क्या है, ये होता है हमारा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और ये क्या है, के ई मैक्स, ये है हमारी रिमेनिंग एनर्जी। अब थोड़ा सा इसका एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, बिकॉज अभी आगे जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होगा उसमें बहुत बहुत काम आने वाला है वहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, पहले बात कर रहे हैं फोटो एमिशन की, इसमें फोटॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, उन्होंने फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करी। एब्जॉर्ब करी तो क्या होता है, जो फोटॉन्स गिर रहे हैं ये क्या है, यही है एनर्जी फॉलिंग, ये क्या है, एनर्जी फॉलिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करी। और ये वर्क फंक्शन है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी यूज्ड फॉर एमिशन, एनर्जी यूज्ड फॉर एमिशन। मतलब कि यहाँ से अगर कुछ एनर्जी मिली इसको, तो कुछ एनर्जी चली जाएगी इसको बाहर निकालने में, इनका एमिशन हो जाएगा और बहुत तेज़ी से होगा, और जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वही हमारी बचेगी के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बच जाएगी इसी को हमने बोला के ई मैक्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स गिरे, उसने उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसने कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करी किसके लिए, तुरंत हमें बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर निकले, बाकी कुछ एनर्जी जो बची, जो एनर्जी बची उसी को हमने बोला रिमेनिंग एनर्जी, या बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब हम हीट प्रोड्यूस, हीट इसको देते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 इसकी एनर्जी बढ़ती है, धीरे 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 बढ़ती है, फिर एक लेवल ऐसा आता है कि ये पहुँच जाता है वर्क फंक्शन के बराबर, ये जो एनर्जी होती है पहुंच जाती है वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वही एनर्जी होती है जो एमिशन के लिए हमें ज़रूरत होती है, एनर्जी यूज्ड फॉर एमिशन। मतलब कि जब इसकी एनर्जी इतनी बढ़ी कि वर्क फंक्शन के लेवल तक, मान लीजिए सपोज यहाँ कहीं है, मान लीजिए यहाँ तक आ गई, वर्क फंक्शन के लेवल तक आ गई, इसके बाद थोड़ी सी और बढ़ेगी जैसे ही, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, लगभग लगभग ज़ीरो होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब कर रहा था एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब कर रहा था और तुरंत उसका एमिशन हो रहा था, जो एनर्जी बच जा रही थी उसको हमने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी बच गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था। तो जब धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, फिर वो इस लेवल तक आया कि वर्क फंक्शन के लेवल तक आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही बढ़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो गया। तो एमिशन हो गया तो एनर्जी जो बची इसके पास वो एक तरह से बोला जाए उसको नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं, तो उसको हमने बोल दिया ऑलमोस्ट ज़ीरो एनर्जी बची इसके पास। समझ में आ गया कितनी एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। ये आपको इसलिए समझाया है, ये अब आगे काम आएगा। चलिए अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ये आपको समझ में आ गया, फोटो एमिशन क्या होता है, थर्मल एमिशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरे बना कैसे, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक हमारे अमेरिका के साइंटिस्ट थे कुलीज, इसको बोला जाता है कुलीज एक्सपेरिमेंट या कुलीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंट देखिए पहले समझिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक फिलामेंट है, ये क्या है हमारा टारगेट,
टारगेट जो होता है ये क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ अगर इसको हीट मिलेगी तो ये मेल्ट ना करे, अगर इसको गर्म किया जाए तो ये मेल्ट ना हो, पिघले ना, इसलिए जो इसका जो टारगेट हम यूज़ करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर जो हम टारगेट यूज़ करते हैं, मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। और ये पीछे से क्या है, पीछे से इसको वाटर दिया जा रहा है, वाटर काम करता है एज अ कूलेंट, मतलब कि ये ज़्यादा गर्म ना हो पाए, मेल्ट ना हो पाए, इसलिए पीछे से इसको यहाँ से वाटर दिया जाता है, वाटर काम करता है एक कूलेंट की तरह। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बैटरी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये बैटरी इससे कनेक्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रही होगी, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या होगा, ये गर्म होगा। करंट जब फ्लो करेगी तो ये फिलामेंट क्या होगा, फिलामेंट गर्म होगा। जब गर्म होने लगेगा, हीट मिलने लगेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको थर्मल एमिशन में बताया है, इसीलिए वो आपको समझाया था, बिकॉज यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा, जैसे जैसे हीट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब वो गर्म होने लगेगा उसके पास एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो एनर्जी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, वर्क फंक्शन पर लेवल तक आएगा, उसके बाद क्या होगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्यों होगी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया मैंने क्यों होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो सीधी सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी ऑलमोस्ट लगभग ज़ीरो होगी, या हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगी। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बहुत धीरे धीरे निकलेंगे, उसके बाद जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते ये जो टारगेट है यहाँ पर, ये हिट करेंगे, इस टारगेट पर हिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी एनर्जी थी ये क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी जब यहाँ से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। लेकिन क्या होगा, इसके बाद जब ये आगे टारगेट पे जाके हिट करेंगे तब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि जो टारगेट है और ये जो हमारा फिलामेंट है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा है वी, ये कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर हिट करेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई वी। ये वी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड द टारगेट। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी ई वी। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, अब आगे देखिए, इसको समझिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हिट किया तो जब हिट करेगा तो कितनी एनर्जी से हिट करेगा, यहाँ पर सॉरी, जब हिट करेगा तो उस टाइम पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, ई वी। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टारगेट पर हिट करेंगे तो इसकी जो एनर्जी यहाँ पर होगी वो होगी ई वी। अब इसके बाद बात आती है, अब इसके अंदर क्या फेनोमेनन हो रहा होगा, अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे, तब अंदर क्या होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जब हिट कर रहे हैं इनके पास एनर्जी कितनी है, ई वी, मतलब कि जब ये अंदर जाएंगे तो इसके अंदर टारगेट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब वो क्या होगा, उनका आपस में कोलिजन होगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करके अंदर गया, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपस में कोलिजन होगा, टक्कर होगी, उनका आपस में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, ये पूरी पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब वो लॉस दो तरीके से हो सकती है, फिर से बता रहा हूँ, फिलामेंट को हमने गर्म किया, फिलामेंट में क्या है, करंट फ्लो कर रही है, तो फिलामेंट क्या हुआ, फिलामेंट को हीट मिली, गर्म हुआ, जब गर्म हुआ तो क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा करके टारगेट पर जा करके टकराए, टारगेट पर टकराए, उस टाइम पर उनकी काइनेटिक एनर्जी है ई वी, कैपिटल वी, इसको कहीं कहीं वी नॉट से भी डिनोट किया जाता है, आप वी नॉट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि वी ही होना चाहिए, यहाँ पर हम वी नॉट ले लेते हैं, चलिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हिट किया, अभी इनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी, ई वी नॉट। अब क्या हुआ, हिट करने के बाद कुछ अंदर गए, अंदर जब गए तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पर क्या होगा, आपस में सबका कोलिजन स्टार्ट होगा, कोलिजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो इनके पास एनर्जी है वो एनर्जी ये लूज़ करेंगे, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी वो कहाँ जाएगी, जब आपस में इनका कोलिजन होगा तो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी जो होगी वो दो फॉर्म में बाहर निकलेगी, या तो वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी या तो वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसके अंदर ये जो पूरा आपको रेड रेड पूरा ये टारगेट जो दिख रहा है ना,
इसके अंदर जब इनका कोलिजन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ये एनर्जी थी, ये एनर्जी पूरी पूरी लॉस, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी दो फॉर्म में बाहर निकलेगी। एनर्जी लॉस होगा, जब एनर्जी जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो वो या तो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी या फोटोन के फॉर्म में। जो ये फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, यही है हमारा एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को हम बोलते हैं एक्स रेज, इसी का नाम दिया गया है एक्स रेज। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि अंदर अगर इनका कोलिजन होगा तो या तो वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे या वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जाते ही सीधे पहली बार में इतना तगड़ा कोलिजन हो कि पहली बार में ही पूरी पूरी एक तरह से फोटोन के फॉर्म में बाहर आ जाए। मतलब कि बाकी अंदर जो और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराने की ज़रूरत ही ना पड़े, पहली बार में ही इतना ज़्यादा इनका कोलिजन हो जाए कि पहली बार में ही पूरा पूरा एनर्जी जो लॉस है, जो ईवी नॉट है, जो आपके सामने लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी लॉस हो रही है, ये पूरी पूरी फोटोन के फॉर्म में बाहर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक्सरे। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। अब जो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, अब ये है क्या एनर्जी का जो लॉस हो रहा है? मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 5 रुपये हैं और आपको बोला गया है कि तुम्हें समोसे खाने हैं। अब आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं? 5 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। और मिनिमम कितना खर्च कर? मिनिमम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि जो एनर्जी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की थी, ई वी नॉट, जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, ये कितना हो सकता है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये ई वी नॉट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी लेके आया, पूरी पूरी लॉस हो गई। तो ऑब्वियस है, या तो ई वी नॉट के बराबर होगी या इससे कम होगी। जो मैंने अभी आपको समझाया है, आपको 5 रुपये दिए गए हैं, आपको बोला गया है 5 खर्च करने हैं, तो आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं? 5 ही तो कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। और मिनिमम क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं खर्च कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये क्या है? एनर्जी लॉस। अब ये एनर्जी लॉस मैंने आपको बताया, अगर सपोज पहली बार में ही इतना ज़्यादा कोलिजन इतना ज़्यादा हो जाए कि पहली बार में ही पूरा पूरा फोटोन के फॉर्म में बाहर आ जाए, तो जो एनर्जी लॉस है, इसी को हम क्या बोल दिया हमने? एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा, अब ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 बाई लेमडा ई वी नॉट डिवाइडेड बाई एच सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब इसको हम अगर रिवर्स करके लिख दें तो कैसे हो जाएगा? ये 0 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा। अभी अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लैम्डा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एच सी अपॉन ई वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, आपको मैंने आपने पढ़ा ही होगा ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। ई जो होता है यानी कि एनर्जी, ये वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि एनर्जी जितनी बढ़ेगी लेमडा उतना कम होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो लेमडा बढ़ेगा, वेव लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो हमारी एनर्जी जो लॉस हो रही है ई वी नॉट, ये अगर हमारा मैक्सिमम होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ये अगर हमारा मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो एक तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी नॉट। अब देखिए, ये है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एच सी वर्मा में एक दो सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एच सी वर्मा में पेज नंबर 392 पर सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1। सिंपल सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको क्या बताना है? म्यू मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड बाई एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 30 किलो वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें क्या बताना है? हमें बताना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी एक्सरे की, और किस वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है वो जो ट्यूब है हमारी, एक्सरे ट्यूब, 30 किलो वोल्ट पर। अब देखिए, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई वी नॉट।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा मिनिमम, या इसको हम ये लिख सकते हैं एच म्यू मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू मैक्स, हमसे क्या पूछा है, म्यू मैक्स पूछा है, वी नॉट की वैल्यू दी गई है, सब एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो रही है तो आपको वैल्यू जो एच की, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो रखनी है वो किस में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, म्यू मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट डिवाइडेड बाई एच। अब ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कितना है 30 kV, 30 अब इंटू 10^3 या 1000 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 4.14 इंटू 10^-15, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 30 है, 4 है, 7.2, और ये ऊपर चला जाएगा आपका 10^18, और ये 1/s में है यूनिट, तो क्या हो जाएगी हर्ट्स, ये आ जाएगा म्यू मैक्स, यही इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 kV, एक एक्सरे ट्यूब है ऑपरेट हो रही है 20 किलो वोल्ट पर, मतलब कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड पोटेंशियल वो दिया गया है 20 kV, यानी कि आपको वी नॉट की वैल्यू दी गई है 20 kV। अब kV है, चेंज कर लीजिए इनटू 1000 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20,000 वोल्ट। इसके बाद बोला है अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एन एक्सरे फोटोन एट द फर्स्ट कोलिजन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट प्लेट पर हिट करते हैं, तो मैंने आपको बोला था ये इलेक्ट्रॉन्स अगर टारगेट प्लेट पर हिट कर रहे हैं तो या तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका कोलिजन होगा, कुछ हीट के फॉर्म में निकलेंगे, कुछ फोटोन के फॉर्म में निकलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार में हिट कर जाए पूरा, बहुत काफ़ी ज़्यादा कोलिजन हो जाए एक बार में, और पूरा पूरा फोटोन के फॉर्म में तुरंत बाहर निकल आए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, वो यही चीज़ बोली है उसने, उसने बोला है अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एन एक्सरे फोटोन एट फर्स्ट कोलिजन, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ अंदर, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था उससे, तो इसने कितनी एनर्जी लूज करी, 5%, कितनी करी 5%, और वो जो लूज करी एनर्जी वो क्या हो गया, वो बाहर निकल गई किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। तो उसने बोला है फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन, तो ये जो बाहर निकली है इसी का फोटोन, इसी फोटोन का हमें वेवलेंथ पूछा है। ये क्या दिया गया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये दिया गया है, और उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो एनर्जी है वो लूज कर रही है 5%, यानी कि सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ये हो जाएगी ई वी नॉट, ये हो गया 20,000 ई वी, और इसका बोला है कि 5% लूज करा, तो यानी कि 5% इसका लूज करिए कितना हो जाएगा, 20,000 × 5/100, ये हो गया आपका कितना 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ गई, यही निकली है फोटोन के फॉर्म में, और जो ये निकली है फोटोन के फॉर्म में इसी का हमसे वेवलेंथ पूछा है। अब ये आपको दिया गया है फॉर्मूला, आपके सामने लिखा है, आप सीधे सीधे आप बता सकते हैं क्या है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई वी नॉट। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये क्या है, ये 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, बिकॉज यही तो हमारा जो है 5% का लूज करने के बाद यही तो एनर्जी हमारी बाहर निकली फोटोन के फॉर्म में, तो यहाँ पर 20,000 वोल्ट मत रखिएगा, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा मिनिमम आपको आ जाएगा सीधे, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और जो वी की वैल्यू दी है आप 1000, चलिए कर लेते हैं, एच कितना है 4.14 × 10^-15 × 3 × 10^8, यूनिट वगैरह सब आप लिख लीजिएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.24 नैनोमीटर, ये है आपका आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया,
अब इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं, और जो हमारी थ्योरी बची हुई है उसको डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अब आप इसके न्यूमेरिकल्स करिएगा। लेकिन अभी जो बची हुई थ्योरी है थोड़ा उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आप न्यूमेरिकल्स करिएगा, वीडियो के एंड में मैंने आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, आपने सबने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। बोर्स मॉडल में क्या था, ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, तो बोर्स ने क्या बोला था, ये जो शेल थे इनको उन्होंने नाम दिया था KLMN एंड सो ऑन, ऐसे उन्होंने नाम दिया था। तो अगर हम इसको एक लेयर के फॉर्म में बनाएं, KLMN, ये क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या इसको शेल भी बोला जाता है। तो अब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तब क्या होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तब क्या होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए लो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रेडिएट होगी, मतलब कि एनर्जी लूज करेगा। अब देखिए उस टाइम पर क्या होगा, जो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए सपोज यहाँ पर ई के एनर्जी है और यहाँ पर ई एल एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगी, ई के माइनस ई एल इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये क्या है हमारा एनर्जी का डिफरेंस। ऐसे ही अगर अगले शेल की बात करें, इसके बाद एम शेल की बात करें, एन शेल की बात करें, तब क्या होगा, तब भी यही होगा। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल से पहले शेल पर, यहाँ पर एनर्जी है ई एम, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई के माइनस ई एम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो लैम्डा जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ये इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अभी कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, हमारे लिए आगे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मोजलेज लॉ, थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है, मोजलेज लॉ क्या होता है। मोजले ने एक इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन क्या कहता है, मोजले का इक्वेशन है ये जो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, और ये क्या होता है जेड माइनस बी, कहीं कहीं इसको जेड इफेक्टिव भी यूज, एज अ जेड इफेक्टिव भी यूज किया जाता है, ए जेड इफेक्टिव, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हमें बोला जाता है मोजलेज लॉ, मोजलेज लॉ। अब देखिए, अब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको एनर्जी के बारे में पता है तो आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है, एनर्जी होती है हमारी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि अगर एक हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिट है और यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है तब यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ये होती है 13.6 वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर जेड इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं ई जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर, यानी कि जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था राइटबर्ग्स कांस्टेंट के बारे में बताया था, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब यहाँ पर वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इसलिए किया गया है बिकॉज एम शेल से एन शेल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए किया गया एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसी फॉर्म में लिखा गया है, अभी जो आप ऊपर देख रहे हैं मोजलेज लॉ, मोजलेज लॉ को कंपेयर किया गया है बोर्स मॉडल से,
अब यहाँ से क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है जो मोजलेस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपसे पूछ लेता है ए और बी की वैल्यू, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ये क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट। तो कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ पर आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो उसी को हम लोग समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ई इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 13.6 वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इज इंटू जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अब ये ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम एच सी बाई लैमडा लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 13.6 वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है, म्यू, म्यू इज यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई एच, ये क्या हो जाएगा, वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, आपको पता होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आर एच सी, और आर क्या होता है हमारा, राइडबर्ग्स कॉन्स्टेंट। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो इस पुराने हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख ले, अदरवाइज यहाँ पर समझ पाना मुश्किल होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हमने वहाँ पर सारी चीज़ें एक एक फॉर्मूला आपको बताया कैसे राइडबर्ग्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है, आर कैसे आता है, सी क्या होता है, जेड क्या होता है, एच क्या होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, इसको 13.6 होता है हमारा आर एच सी, यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा आर सी वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर। और अगर आप हमारा इसका पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, तो ये जो ट्रांजिशन होता है इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल, जो ये फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोथ साइड्स अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर सी वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर ए एक तरह से एक ही फॉर्म में है। अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड इफेक्टिव, यानी कि ए क्या है हमारा, ए जो ये पार्ट है ये है हमारा ए, ये है मोजलेज लॉ ए इंटू जेड इफेक्टिव, और जो हमने निकाला वो क्या निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ आर सी वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर इंटू सॉरी इंटू जेड इफेक्टिव। तो ये ए क्या है, ए जो ये निकल के आया यही है हमारा ए, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर सी वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, आपको आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो क्या किया उन्होंने, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करी, अगर ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट से या सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ होता है तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या होगी, टू, एन की वैल्यू होगी वन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन एन, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई वन का स्क्वायर यानी कि वन माइनस वन बाई एम स्क्वायर, एम कितना टू, वन बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, तो वन में से वन बाई फोर अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फोर आर सी, ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। इसी तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब चलिए एक एच सी वर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं कि कैसे किया गया है, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं। अब देखिए एच सी वर्मा में पेज नंबर 32 एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है, इसमें क्या है बोला गया है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी इन मोजलेज इक्वेशन, इक्वेशन मोजले की इक्वेशन आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी फ्रॉम द गिवन डेटा, फॉलोइंग डेटा है गिवन डेटा। अब ये डेटा आपको ये दिया गया है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं एम ओ और सी ओ, एम ओ ये क्या है, ये है मॉलिब्डेनम, सी ओ मतलब कि कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम का ये क्या है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 42 और कोबाल्ट का 27। इसके बाद ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ दिया गया है,
अब ये वेवलेंथ जो दिया गया है ये पीएम में दिया गया। पीएम क्या होता है? पीएम इज पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10^-12 मीटर। अब आपको क्या पूछा गया है? पूछा गया है फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। अब देखिए दो अलग अलग एलिमेंट हैं, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट। अब पहली चीज़ तो ये समझिए कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर क्या दिया गया है? वेवलेंथ दिया गया है, यानी कि म्यू जो है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा, यही तो हम लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा, क्योंकि हमें वेवलेंथ यूज़ करनी, बिकॉज वेवलेंथ दिया गया, हमें जो डेटा गिवन है वो वेवलेंथ का गिवन है, तो हमें वेवलेंथ यूज़ करना है। अब तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, मॉलिब्डेनम की। तो इसके लिए जो ये फार्मूला है ये क्या हो जाएगा? ए जेड माइनस बी। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए। सी कितना होता है आपको पता है? सी कितना होता है? 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई लेमडा। कितना होता है? लेमडा गिवन है मॉलिब्डेनम का, 71 PM, यानी कि 71 × 10^12 मीटर। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, जेड कितना है? जेड आपको गिवन है कितना है? 42 - b। ये बनी हमारी एक इक्वेशन, ये किसके लिए है? ये है मॉलिब्डेनम के लिए। ऐसे ही जब हम बात करेंगे कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के लिए क्या हो जाएगा? 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई 178.5 × 10^12। इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, 27 - b। इक्वेशन नंबर 2, ये किसके लिए है? कोबाल्ट के लिए। अब हमसे पूछा क्या है? कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पूछी ए और बी की। अब ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक एलिमेंट हमारा इसमें से चला जाएगा, बी चला जाएगा। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ एस सी वर्मा के, उसके आंसर्स भी साथ में दे रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आपको अब समझ में आ गया होगा एक्सरे के बारे में कि क्या क्या होता है, किस तरह से न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं और कैसे किया जाता है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा थर्मोडाइनमिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह से ख़त्म, ये लास्ट लेक्चर था मॉडर्न फिजिक्स का, अब स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स। तो चलिए आप देख लीजिए पहले जो आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, ये हैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स, एच सी वर्मा बुक में दिए गए हैं। आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको समझना है कि कैसे करने हैं। इसीलिए मैंने आपको एक्सरे पढ़ाया कि एक्सरे पढ़ लिया आपने, अब आप खुद कर सकते हैं। तो इसको करिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, बिकॉज अब इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा मॉडर्न फिजिक्स, अब सीधे मैं स्टार्ट करूँगा थर्मोडाइनमिक्स। इसलिए एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।